हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वन प्लस नॉट टू का एक और फोन ब्लास्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये 10-12 दिन में दूसरा हादसा है। पहला एक ब्लास्ट हुआ था, अब ये दूसरा फोन ब्लास्ट हो चुका है। सो बेसिकली शुभम श्रीवास्तव करके एक बंदे, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट लिखा था कि ये उनके पापा ये फोन यूज कर रहे थे और ये ब्लास्ट हो गया और वो ट्रॉमा में है इस वक्त। बट उसके बाद उनका ट्वीट डिलीट हो गया और ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद वन प्लस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि एक फॉल्स रिपोर्ट थी या फिर फॉल्स क्लेम था। अब दोस्तों देखो, दोनों बातें हो सकती हैं। शायद से जेन्युइनली फॉल्स क्लेम हो या फिर कंपनी ने उनसे बोला हो कि आप अपना प्लीज ट्विटर अकाउंट वगैरह डिलीट कर दीजिए, हम आपको कंपेंसेट कर देंगे। सो ये प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि कंपनी को अपनी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा प्यारी है। अब नोट 7 के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जब ब्लास्ट होना शुरू हुए थे तो कंपनी ने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिए थे सैमसंग ने, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती मान ली थी और उसका प्रोडक्शन रोक दिया था। सेम केस इधर हो रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि दोस्तों ये जो ब्लास्ट हुआ है, जेन्युइन रीजन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप चार्जिंग के टाइम पे या फिर आप गेमिंग के टाइम पे कोई ब्लास्ट होता है तो समझ में आता है कि ओवर हीट हो गया है, ओवर चार्ज होने की वजह से या ओवर गेमिंग की वजह से, और फिर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि ये बैग में पड़ा हुआ था और ब्लास्ट हुआ था, जो पहला वाला फोन था। सो वहाँ पे जेन्युइनली ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ हीटिंग इश्यूज की वजह से ब्लास्ट हो रहा है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था दोस्तों कि वॉर्प टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है, ये खतरनाक हो सकती है, क्योंकि 15 मिनट में आपका फ़ोन पूरा चार्ज करता है ये, और जितनी फास्ट आपकी चार्जिंग स्पीड होगी उतने ही आपके बैटरी को डैमेज पहुँचाते हैं फ़ोन दोस्तों। सो मुझे लगता है कि शायद से वॉर्प टेक्नोलॉजी की वजह से ये दूसरा फ़ोन भी ब्लास्ट हुआ है, अगर हुआ है तो। तो दोस्तों, अब अगर हम 1% भी मान के चलते हैं कि ये ब्लास्ट हुआ है, तो फिर आप अपना पैसा जो 30,000 रुपये ऐसे फ़ोन में क्यों डालना चाहते हैं जो ऑलरेडी एक कंफर्म ब्लास्ट हो चुका है और दूसरे के र्यूमर्स हैं ब्लास्ट होने के। 30,000 में बहुत सारे फ़ोन आ जाएंगे दोस्तों। दूसरा, सिर्फ आपके पैसा ही वेस्ट नहीं होगा, आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट आएगा। कल को अगर आपका ये फ़ोन भगवान न करे अगर आपके जेब में ब्लास्ट हुआ था, तो आप सोच नहीं सकते कि आपकी हेल्थ को कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप क्यों एक ऐसे फ़ोन में 30,000 रुपये डालना चाहते हैं दोस्तों। बहुत सारे नए फ़ोन्स आने वाले हैं, रियलमी जी टी, मोटरोला एज वगैरह आने वाला है, आप उनका वेट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कोई भी फ़ोन को आप इतनी जल्दी मत परचेज किया करिए, आप 30 दिन का उनका रिव्यू का वेट किया करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ देखो दोस्तों, किसी की शादी भी होती है ना, तो भी एक हस्बैंड वाइफ 30 दिन तक तो बहुत ज़्यादा लवी डबी रहते हैं, असली रंग 30 दिन के बाद निकल के आता है, 1-2 महीने बाद। तो यही केस मोबाइल वगैरह के साथ भी है दोस्तों, कि आप जब नया लेंगे तो ऑब्वियसली सब चीज़ उसमें अच्छी होगी, क्योंकि ना तो उसकी मेमोरी फुल है, ना आप उसमें गेम खेल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जब आप उसको यूज़ करेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज़ करेंगे, तभी उसका असली रिव्यू आपको समझ में आएगा। सो आप अनबॉक्सिंग वीडियोस देख के बिल्कुल मत लीजिए। अनबॉक्सिंग वीडियोस सारे पेड होते हैं जो पहले दिन किए जाते हैं, तो उसको तो देख के आप बिल्कुल मत लीजिए। और एक अच्छे यूट्यूबर का मेरा मतलब है, जो मिलियंस में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जेन्युइन यूट्यूबर जो अच्छा रिव्यू देता हो दोस्तों, उसका आप लॉन्ग टर्म रिव्यू देखिए, 20-30 दिन का रिव्यू देखिए, उसके बाद ही कोई भी फ़ोन परचेज कीजिए। मैं नॉट टू की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम फिलहाल नॉट टू पे वापस आते हैं, तो दोस्तों मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि आप प्लीज़ अभी इस फ़ोन को इग्नोर कीजिए और वेट कीजिए 1-2 महीने तक और, कि ये वन ऑफ अ केसेस हैं या फिर और भी ऐसे केस होते हैं जैसे नोट 7 में होते हैं, और हो सकता है कि कंपनी को फिर इसका प्रोडक्शन दोस्तों रोकना पड़े। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।